वहीं रूस का लूना 25 मिशन लैंडिंग से पहले ही मुश्किल में फंस गया है। रूस के मून मिशन की जांच के दौरान एक इमरजेंसी की बात सामने आ रही है। इसका लूना 25 मिशन और ऑर्बिट चेंज की इसी प्रक्रिया में कामयाब न रहने के बाद ये लूना 25 मिशन चंद्रमा पर गिर गया है। चंद्रमा पर ये क्रैश हुआ है और इसके साथ ही रूस की स्पेस एजेंसी रोस्कोस्मोस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब लूना 25 खत्म हो चुका है। हम तो सिर्फ मीम्स ही बनाते रहते हैं कि भाई फलां कंट्री गया। अब देखो हमारे, मैं आपको बताऊं, 80% आवाम का यही रिव्यूज होंगे भाई जहां तक रशिया इतना आ गया है वो नहीं जा सकता, इंडिया भी नहीं जा सकेगा। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि उनका आप स्टैट कुछ दिनों पहले के देखे जाएं तो टेक्नोलॉजी में, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उम्मीद है कि शायद रशिया बहुत आ गया, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी भी देता है, उनके साथ शेयर भी करता है और काफ़ी चीज़ों से आगे वो आ गया है। तो अगर उसका क्रैश हो गया तो फिर इसका क्या कहा जा सकता है। बहरहाल इंस्टेंटमेंट है कि यार लैंड हो जाए, वो हमारा हमसाया मुल्क है, हम उससे मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनकी गवर्नमेंट से वो कलहदा हमारा डिबेट है पर उनकी आवाम से बनी बड़ी मोहब्बत है। अगर क्रैश होगा तो फिर उनको दुख पहुंचेगा तो हमें भी पहुंचेगा। रशियन टेक्नोलॉजी तो ये यूज़ इंडिया यूज़ कर रहा है, पाकिस्तान जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर कोरियन और वो चाइनीज़, तो अगर पाकिस्तान करता तो सक्सेसफुल हो जाता है। इंडिया का 50-50 चांस है, कोई चांसेस 100% नहीं कह सकते। क्या रीज़न? रीज़न ये टेक्नोलॉजी रशियन की टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है क्योंकि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें फुली 100%। देखें इंटरनली देखा जाए ना, इंटरनली हम पहले ही पार्ट थे इंडिया के साथ, पहले इकट्ठे रहते थे, हिंदुस्तान पूरा एक था, बाद में पाकिस्तान 1947 में अलहदा हो गया। इंटरनली हर किसी को खुशी होगी कि यार वाकई बड़ा उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन जबान पे कोई नहीं लाएगा। नुकसान अपना दुख हुआ इस चीज़ का। और ये जो इंडिया वाला चंद्रयान 3 है उसका तो मैं कहता हूँ कि बंदे के आंसू आते हैं यार, इतनी मेहनत एक बंदे ने की है। लेकिन ये तो कामयाबी की तरफ जा रहा है, ये तो 2-3 दिन तक ये खबर ये आ रही है कि मतलब 2-3 दिन तक जो है वो लैंड कर जाएगा। भाई हमारी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो लोग अगर काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। यहाँ पे भी कुछ लोग देखेंगे वो कह रहे होंगे चांद पे जाने का क्या फायदा है। अरे भाई चांद पे जाने का फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन आपकी जो है आगे आने वाले दौर में आपकी सैटेलाइट्स और सारी टेक्नोलॉजी और मार्स पे पहुंचने वाला वो सारी चीज़ें इससे लिंक्ड होती हैं। अगर आप आज घर बैठे रहेंगे तो फिर कल को जाके फिर आप फिर कंप्लेन करेंगे कि हर चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर उनका कब्जा है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हो जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। अब इंडिया और रशिया का मून मिशन को लेकर उस तरीके का फाइट बना हुआ था, कौन पहले मून का साउथ वाले हिस्से पर पहले पहुंचकर नया इतिहास रचेगा, क्योंकि आज अगस्त 21 को रशिया का लूना 25 पहुंचना था और एक दिन बाद मतलब अगस्त 23 को शाम के 6 बजे के करीब हमारा चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून पर लैंडिंग करना था। तो फाइट बना हुआ था कौन पहले पहुंचेगा और अपना नाम रिकॉर्ड को दर्ज करेगा। लग रहा था कि रशिया शायद पहले बाजी मार लेगा, लेकिन न्यूज ये आ रहा है कि कल रशिया का लूना 25 ग्लीच के कारण क्रास हो गया। अब रेस में अकेला हमारा चंद्रयान 3 ही है। अब हम सक्सेसफुल लैंड करके पूरी दुनिया में हमारा जो इसरो का नाम और हमारा देश का नाम को और ऊँचा करेंगे। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी इस बार 80-90% लोग भारत के साथ है और वो चाहते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मिशन को अंजाम दे। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आप एक चाचा को देख रहे थे, उनके हिसाब से अगर पाकिस्तान लॉन्च करता तो ज़्यादा सक्सेसफुल होता, लेकिन वो भूल गए हैं कि पाकिस्तान खुद की रॉकेट से शायद आज तक एक भी सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया है और आगे भी एक भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों पहले आप बाकी पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लीजिए, फिर आखिर में इस टॉपिक पर बात करते हैं। काफी अरसे बाद रशिया ने भी देखा कि अगर चाइना इंडिया जा रहा है तो मैं क्यों नहीं, तो उसने भी बड़ी कोशिश और बड़ी तेजी से गया, लेकिन लैंड अनफॉर्चुनेटली वहां लैंड करने में भी कोई मसला आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया भी इसी तरह कोई लैंड कर पाएगा क्या, उसके भी कोई इस तरह की कोई मसाइल जो है वो फेस करने पड़ेंगे? देखिए जॉक्स पार्ट, पहली बात तो ये है कि अब हमारा एक हरीफ कंट्री है, ठीक है, भारत लास्ट टाइम में जाने लगा हम सिर्फ पाकिस्तान, तो रेस में क्या दूर दूर तक पाकिस्तान को नामो निशान ही नहीं है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो हम तो सिर्फ मीम्स ही बनाते रहते हैं कि भाई फलां कंट्री गया। अब देखो हमारे, मैं आपको बताऊं 80% आवाम का यही रिव्यूज होंगे भाई जहां तक रशिया इतना आ गया है वो नहीं जा सकता, इंडिया भी नहीं जा सकेगा। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है कि उनका आप स्टैट कुछ दिनों पहले के देखे जाएं तो टेक्नोलॉजी में, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उम्मीद है कि शायद कामयाब हो जाए। अच्छा सर, हमें एक मतलब एज अ हम पाकिस्तानी तो हैं, इंसान हैं, तो इंसानियत के नाते क्या हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए या फिर से मीम्स बनाने चाहिए जिस तरह से हमने लास्ट
उनकी अटेम्प्ट पे हमने मीम्स बनाए थे और बहुत सारे मीम्स वायरल भी हुए थे पाकिस्तानियों के हवाले से, जनाब के इंडिया चांद पे तो पहुंच नहीं सका जी, ट्राई करता है चांद पे जाने के हवाले से। तो हमारे भी एक फॉरेन जो कि टेक्नोलॉजी के हवाले से जो फवाद चौधरी है, उनकी एक स्टेटमेंट थी कि जी हमें तो चांद यहाँ से नज़र आ जाता है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है चांद पर जाने के हवाले से। तो आपको क्या लगता है ये फनी जोक्स इस तरह के हमारे जो है बड़े बड़े वज़ीरों की तरफ से दिए जाते रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें पहले तो ये हमारे वज़ीर इत्तला'आत उनकी पास उनके बड़े एक अजीब सी बात आती है जहन में कि हमारे जो मेंटोर हैं जो मतलब ये हमसे बड़े हैं ना, हमसे आगे हैं, उनसे कुछ सीखने को मिला, लेकिन उन्होंने पहले ही हमारे यूथ को कुछ वो सबक देने के बजाय कि हमारा जो साथ वाला कंट्री है वो इतने आगे जा चुके हैं हमें भी कुछ करना चाहिए, बजाय इसके कि वो जो है ना वो मीम्स बना रहे हैं, जब वो लोग ऐसे काम करेंगे तो यूथ क्या करेगी, ठीक है। तो लेकिन वो दो तरह के लोग हैं, कुछ जो रखते हैं नॉलेज इसके बारे में कि भाई ऐसा अच्छा अच्छी बात है ये काम हो रहा है होना चाहिए, ठीक है, उनको देखते हुए हमें भी कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग होंगे जो इसको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ होंगे वो जो शुरू से मीम बनाते आ रहे हैं वो मीम ही बनाएंगे। अच्छा, आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं इस रेस में? देखें अगर आप एज ए नेबर के हैं तो हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि इंडिया विन करे, अदरवाइज बाकी लक की बात है कि रशिया करता है या इंडिया करता है, ये तो बेस्ट ऑफ लक। दोनों मुल्कों की आवाम के जज्बात इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं वो ऐसे ही है, लेकिन जाहिरी बात है शायद रशिया वाले इतने जज्बाती नहीं होंगे इसको लेके, लेकिन इंडिया की जो आवाम है ना वो ज़रा ज़्यादा जज्बाती है, वो इसको लेके ज़्यादा वो हाइपर होंगे, इस चीज़ को लेके ज़्यादा जज्बाती होंगे कि वो हम वो अचीव कर। हाँ ये बात तो है, नो डाउट। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी दोनों मुल्कों की आवाम रशिया और भारत की अपने अपने मिशन को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो क्या लगता है किस मुल्क के दिल ज़्यादा टूटेंगे? क्योंकि डेफिनेटली चंद्रयान 3 जो है वो उसके इतने दिनों से चर्चे चल रहे हैं, मतलब अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 जो है वो चांद के मैदान में दाखिल भी हो चुका है और उन्होंने चांद से जो है कुछ पिक्चर्स भी भेजी हैं जिसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। देखिए क्योंकि रशिया जो है ना वो इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है जितने जो है ना वो इंडियंस इमोशनल हैं, तो उसी हिसाब से ये है कि, और दूसरा ये है कि वो इतनी दफ़ा जो है ना वो रशिया लैंड कर चुका है कि उसके लिए मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, लेकिन इंडिया जो है ना वो अभी तक क्योंकि उसकी लैंडिंग नहीं हुई है तो उनके लिए ये वाला जो है ना वो बड़ा इमोशनल मोमेंट है, और दूसरा ये है कि क्योंकि उनके इलेक्शंस भी जो है ना वो नियर है तो इस चीज़ को उन्होंने जो है ना वो कैप्चर करना है इन प्रैक्टिकल टर्म्स जो है ना वो, तो उनकी गवर्नमेंट जो है ना वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहेगी, तो इसलिए वो अगर नहीं होगा तो उनके बहुत ज़्यादा दिल टूटेंगे। अब पहले होता था कि एक रशियन होती थी और एक जो है ना वो अमेरिकन होती थी, लेकिन अब जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अपने आप को इस हद तक इमर्ज कर चुका है कि वो अपने आप को एक पावर जो है ना वो समझता है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि लगभग 80-90% पाकिस्तानी दोस्तों का रिएक्शन पॉजिटिव है और होना भी चाहिए, और जो ट्रूली एजुकेटेड है या फिर जो साइंस को फॉलो करते हैं वो भारत को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टेक्नोलॉजी है कोई भी देश इसमें आगे जाए पूरा फायदा ह्यूमैनिटी को होता है, क्योंकि स्पेस रेस के कारण हमें आज डे टू डे लाइफ में बहुत सारा टेक्नोलॉजी मिला है जो आज हमारे लाइफ को आसान बनाया है, GPS से लेकर बहुत सारे हैं, आप अगर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएगा, हालांकि लंचिंग के बाद इसके ऊपर एक वीडियो में बना दूंगा, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनके पाकिस्तान की बात करें या फिर हमारे इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया में भी ऐसा एक ग्रुप है जो चाहता है ये मिशन फेल हो जाए ताकि वो बीजेपी और मोदी को गाली देंगे या नीचा दिखाएंगे, हालांकि ये जो मिशन हो रहा है ये पूरे भारत के लिए है, ये बीजेपी कांग्रेस ना कोई दूसरे पार्टी का है, लेकिन कुछ लोग हैं तो उस तरीके का हमारा पड़ोसी देश में भी कुछ लोग हैं जो जेलसी के कारण चाहते हैं कि ये मिशन फेल हो जाए, क्योंकि वो तो नहीं पहुँच पा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि और कोई देश खासकर भारत भी पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसे इसरो के चीफ ने कहा कि अब कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकता है, तो उम्मीद है कि हम अगस्त 23 शाम 6 बजे रिकॉर्ड बनाएंगे और सिर्फ मून ही नहीं आगे और भी हम जो प्लैनेट है उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही, आप इस टॉपिक पर अपना क्या राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।